हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। फाइनली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने रियलमी GT60 के फ़ोन में किसी भी ऐप को क्लोन कैसे करेंगे, डबल कैसे करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में आओ। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे, ऐप्स नाम से ऑप्शन मिलता है, आपको ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे आपको ऐप क्लोनर नाम से ऑप्शन मिलता है, ऐप क्लोनर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी कुछ एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है ऐप्स दैट कैन बी क्लोन्ड। इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशन हैं जिनको आप डबल कर सकते हैं। अभी डाटा ऑन है, डाटा को ऑन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं वो सारे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं जिनको हम डबल कर सकते हैं। अगर आपने इनको डाउनलोड किया है तो इनको भी डबल करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अब देख सकते हैं सभी ऑफ हैं, तो क्रिएट ऐप क्लोन को ऑन करेंगे एप्लीकेशन डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो एप्लीकेशन आपको डबल करना वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कैसे डबल करेंगे वह आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी देख सकते हैं अगर इसको हमने डबल किया तो यहाँ पर डबल हो चुका है, फ़ोन पे देख सकते हैं डबल हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। किसी अदर एप्लीकेशन को करना है तो प्ले स्टोर में आइए, पैरेलल ऐप डाउनलोड करिए, उसके द्वारा आप किसी भी ऐप को एक क्लिक में डबल कर सकते हैं।